दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रमजानुल मुबारक में शब कद्र कौन सी रात है, शब कद्र की सही तारीख कौन सी है। कई लोग समझते हैं कि 27वीं रात ही शब कद्र है, आइए जानते हैं शब कद्र की क्या क्या निशानियां हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर जैन नॉलेज। नाजरीन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। आइए देखते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में एक ऐसी रात भी है जिसमें एक सेकंड इबादत करने का सवाब 22 घंटों से भी ज्यादा है, जिसमें एक मिनट इबादत करने का सवाब 55 दिन से भी ज्यादा है, जिसमें एक घंटा इबादत करने का सवाब 9 साल से भी ज्यादा है, जिसमें एक रात इबादत करने का सवाब 83 साल इबादत करने से बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, ये रात कौन सी है, इसका वक्त कितना रहता है, कब तक रहती है, ये सब कुछ जानोगे इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आखिर तक हमारे साथ बने रहें और समझते रहें। दोस्तों साल की सबसे कीमती और बेहतरीन रात होती है लैलतुल कद्र, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है और इसी रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिसको आम तौर पर लोग शब कद्र कहते हैं और ये रात बहुत कीमती है। हजरत सैयदना उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हों ने बारगाह रिसालत में शब कद्र के बारे में सवाल किया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब में तलाश करो तो जो कोई ईमान के साथ बनियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। आम तौर पर लोग बताते हैं कि 27वीं रात को ही शब कद्र होती है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र को तलाश करने का हुक्म दिया रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में, आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में। तो ये रात कोई फाइनल नहीं है कि 27वीं ही शब कद्र है, तो इसलिए हमें इन 5 रातों में दिल खोल कर इबादत करना चाहिए। तो दोस्तों इन 5 ताक रातों में आप इबादत करना न भूलें, क्योंकि इस रात में इबादत करना 1000 महीनों से बेहतर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुझे क्या मालूम कि शब कद्र क्या है, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। दोस्तों 1000 महीनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1000 महीनों के 83 साल बनते हैं, तो इस एक रात में इबादत करने का सवाब 83 साल की इबादत करने से बेहतर है। और जब हम 83 साल को घंटों पर कन्वर्ट करते हैं तो शब कद्र की एक रात में एक घंटा इबादत करने का सवाब 9 साल से भी ज़्यादा है, और शब कद्र में एक मिनट इबादत करने का सवाब 55 दिन से ज़्यादा है, और एक सेकंड इबादत करने का सवाब 22 घंटों से भी ज़्यादा है। दोस्तों सोचिए अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को कितने इनामात दे रखे हैं, और ये इनामात सिर्फ और सिर्फ रमज़ान महीने की आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में है, जिसमें एक सेकंड इबादत करने का सवाब 22 घंटों से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों शब कद्र की 5 रातों में इबादत करना न भूलें। जब दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको शब कद्र की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।